अगर तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा है ना, तो सब्र रखना, क्योंकि ये वक्त भी बीत जाएगा। तुम बस मेहनत करते चलो, और एक बात का याद रखना कि तुम्हारा वक्त भी ज़रूर आएगा। सो हेलो टॉपर्स, हाउ यू डूइंग, दिस इज़ मोटिवेशनल दोस्त। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज, आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.4 क्लास 9 CBSE में। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज एकदम यूनिक है, ठीक है, एकदम जो पहले की जितनी एक्सरसाइज है उससे एकदम थोड़ी सी अलग टाइप की एक्सरसाइज है। स्टेप्स लिखने का स्टाइल भी बहुत अलग है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ईजी भी है, ठीक है। अच्छे से ध्यान देना, प्रॉपर तरीके से आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। तो एक्सरसाइज समझने से पहले आप लोगों को थ्योरम समझनी पड़ेगी, तभी आप लोग एक्सरसाइज कर पाओगे। तो थ्योरम पे फोकस करो एवरीवन। तो थ्योरम क्या कह रही है, दो थ्योरम दे रखी हैं इस एक्सरसाइज में आपको। देर आर टू थ्योरम्स गिवन, इनइक्वालिटी, अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा होता है ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल को आप ना कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे थे, या दो आइसोसेलेस ट्राइंगल, इस टाइप से था। अब इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी का मतलब ये है कि इसमें तीनों साइड आपके इक्वल नहीं है, कोई एक साइड बड़ा है, कोई छोटा है, कोई एंगल बड़ा है, कोई छोटा है, यानी स्केल एंड ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी है। तो थ्योरम क्या कहता है वो समझना, बहुत ही इजी थ्योरम है। टोटल देर आर टू टू थ्री थ्योरम्स आर गिवन। सबसे पहले अगर आप बुक में देखोगे तो थ्योरम नंबर 7.6 दे रखा है आपको। क्या दे रखा है, पढ़ रहा हूँ मैं, सुनना। इफ़ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल, द एंगल ओपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर। तो क्वेश्चन या थ्योरम ये कहता है कि भाई अगर कोई भी ट्राइंगल है, जैसे कि ये एक ले लिए, ये छोटा सा ले लिए और ये हो गया, देखोगे तो ये तीनों साइड अलग अलग लिया है जानबूझ के मैंने। तो यहाँ पे थ्योरम ये कहता है कि जो साइड बड़ा होगा, ठीक है, द एंगल ओपोजिट टू द लॉन्गर साइड। तो यहाँ अगर आप देखो स्टूडेंट्स, तो ए बी सी, यहाँ पे ए सी बड़ा है मान लो ए बी के, तो इफ़ अगर आपका ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, अगर ऐसा है कि एक साइड दूसरे साइड से बड़ा है, तो उसके जस्ट ओपोजिट वाला जो एंगल होगा ये बड़ा होगा एज कम्पेयर टू इसके ओपोजिट वाले एंगल के। तो दैट मीन्स, तो देयर फोर सो एंगल बी जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, किससे होगा, एंगल सी से। इस बात का ध्यान रखना, बड़ा ही सिंपल सा फंडा है स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर, एकदम आसान चीज है। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जो साइड बड़ा होगा, एक ही ट्राइंगल में बात कर रहा हूं, जो साइड बड़ा होगा उसके जस्ट ओपोजिट वाला जो एंगल होगा वो बड़ा होगा, जो साइड छोटा होगा उसके ओपोजिट वाला जो एंगल होगा वो छोटा होगा। बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, इसको अच्छे से एक बार लिख लेना और समझ लेना, क्योंकि एक्सरसाइज में ये यूज होने वाला है। इज इट क्लियर, कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना। चलो अगला थ्योरम देखते हैं, इसका वाइस वर्सा होने वाला है। इन एनी ट्राइंगल द साइड ओपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर, ठीक है। तो ये वाइस वर्सा है, तो ये बोलना चाह रहा है कि अगर, इफ इसी में देख लो, अगर मान लो ये दे रखा है कि भैया एंगल बी है बड़ा, किससे, एंगल सी से मान लो, तो यहाँ पे सो या देयर फोर एंगल बी का ओपोजिट यानी कि ए सी जो है ये बड़ा होगा किससे, इसके ओपोजिट ए बी से। इस बात का भी ध्यान रखना कि अगर ऐसा है तो ऐसा भी होगा, यानी कि जो साइड, जो एंगल लार्जर होगा उसके ओपोजिट वाला साइड जो होगा वो लॉन्गर होगा। बड़ा ही सिंपल है, देख के भी पता लग रहा है एकदम आसानी से। इज इट क्लियर, अंडरस्टूड। इसके बाद में तीसरा थ्योरम भी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। ये थ्योरम कहता है 7.8, गौर करना, ये कह रहा है द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो ये भैया का कहना है, इसी ट्राइंगल में अगर आप देखो तो ये कहता है कि कोई भी दो साइड का जो सम होगा वो हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होगा, कोई भी ले लो। अगर आप यहाँ पे देखो तो ए बी प्लस बी सी जो है, ए बी प्लस बी सी जो है इसका जो सम होगा ये हमेशा बड़ा होगा किससे, तीसरे वाले साइड से। तो ये थ्योरम याद रखना, तीनों थ्योरम आपकी बुक में दे रखी है, अच्छे से रीड करना, याद रखना, क्योंकि ब्रैकेट में सॉल्यूशंस में लिखना होता है। इज इट क्लियर, अच्छे से चेक कर लो स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके बाद हम आने वाले हैं एक्सरसाइज में, ठीक है। तो सिंपल एक्सरसाइज है, इंटरेस्टिंग है, मजा आने वाला है। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। चलो भाई देखें,
क्या बोल रहा है देखो, शो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। स्टूडेंट इसको अच्छे से समझना क्योंकि इसी पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन और दे रखे हैं एक्सरसाइज में। ये कह रहा है कि अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लें, दैट मीन्स ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब ये 90, तो ये 90 डिग्री है, तो इसका जो जस्ट ऑपोजिट साइड होगा वो सबसे बड़ा होगा। वैसे हमें पता है कि हाइपोटेनस जो होता है, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं एक तरह से, या हाइपोटेनस हो गया काइंड ऑफ बेस हो गया परपेंड, तो हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, पता है अपने को, बट अपने को यहाँ पे प्रूव करना है। सो शो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो देखो लिखने का स्ट्रेटजी समझो, थोड़ा अलग स्टाइल से लिखते हैं। गिवन ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल, ये गिवन है अपने को कि ए बी सी ट्राइंगल जो है वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। और एक और चीज़ दे रखी है कि एंगल बी जो है इट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे प्रूव कैसे करेंगे, तो टू प्रूफ में लिख लो, टू प्रूफ ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड, ये प्रूफ करना है। प्रूफ देख लो भाई, प्रूफ एवरी वन सी द प्रूफ। तो प्रूफ क्या है समझने की कोशिश करना, प्रूफ कैसे करेंगे। चलो देखो यहाँ पे, तो भाई देखो ये 90 है, अपने को पता है तीनों एंगल का जो सम होता है, ठीक है, वो क्या होता है, तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो भाई अगर ये 90 है मान लो, तो इन दोनों एंगल का सम एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 हो गया है ना। इसको प्रूफ में लिखते हैं, सो वी नो दैट, ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। देखो वैसे तो पता है अपने को, पर कई बार प्रूफ कैसे करते हैं वो देखो। तो यहाँ पे देखना, एंगल ए प्लस एंगल सी ये होगा आपका 90, ये 90 उधर चला जाएगा, तो 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो ये चीज आएगी। तो दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल सी दोनों का सम 90, मतलब कि यहाँ से ही बोल सकते हो कि एंगल ए जो है और एंगल सी जो है दोनों का सम मिला के 90 और ये अकेला 90 है। तो दैट मीन्स हियर, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि आपका एंगल बी जो है वो हमेशा एंगल ए के ग्रेटर होगा, एंड एंगल सी जो है, सॉरी अगेन एंगल बी जो है वो बड़ा होगा एंगल सी के भी। क्यों बोल सकते हो, क्योंकि यार ये बेचारा अकेला 90 और ये दोनों ऐड हो गए 90, तो ऑब्वियसली बात है ये दोनों 90 से तो छोटे होंगे, तो दैट मीन्स एंगल बी हमेशा एंगल ए से बड़ा होगा और एंगल बी एंगल सी से हमेशा बड़ा होगा। ये पॉइंट को याद रखना, आगे क्वेश्चंस में यूज करूंगा। तो देयरफॉर तो एंगल बी का ऑपोजिट ए सी जो है ये बड़ा होगा एंगल ए का ऑपोजिट बी सी के, एंड एंगल बी का ऑपोजिट ए सी जो है ये भी बड़ा होगा किसके, एंगल सी के ऑपोजिट ए बी के। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ए सी जो है ए बी से भी बड़ा है और ए सी जो है वो बी सी से बड़ा है। सो कंबाइनिंग रिजल्ट ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड। स्टूडेंट्स कान खोल के सुन लो, यहाँ पे ये लाइन के बाद जब भी आप ये लाइन लिखोगे यहाँ पे थ्योरम लिखोगे, थ्योरम क्या लिखोगे, दैट साइड ओपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। क्या लिखोगे यहाँ पे, लिख लेता हूँ, साइड ओपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। कई बार उल्टा लिखना पड़ता है इस टाइप में, एंगल ओपोजिट टू लार्जर या लॉन्गर साइड इज लार्जर, इस टाइप से लिखना पड़ता है। ऐसे क्लियर, तो बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, एकदम आसानी से अच्छे से नोट करो, फिर एक दो बार खुद से करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर, आई बात समझ में, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, नोट करो जल्दी से, इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में करवाने वाला हूँ। चलो सो यस स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर टू देखें, आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर टू देखना स्टूडेंट्स,
इजी है, टेंशन नहीं लेना, आराम से समझना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, पढ़ो अच्छे से। साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए बी सी आर एक्सटेंडेड। ए बी का साइड एक्सटेंड किए पी तक, ए सी का एक्सटेंड किए क्यू तक। आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। ऑल्सो पी बी सी जो है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे गिवन क्या है आपको, एंगल पी बी सी, ये वाला जो एंगल है ये पी बी सी, ये जो है ये स्मॉलर है, तो इसलिए सिंगल एंगल लिखा क्यू सी बी। इसको डबल लिख दूंगा, डबल का मतलब ये बड़ा है छोटा, टू एंगल, ये स्मॉल का साइन हो गया एंगल क्यू सी बी, तो ये छोटा है। पी बी सी जो है ये क्यू सी बी के छोटा है, ठीक है, तो मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है। अब प्रूफ क्या करना है, ऐसे प्रॉपर लिखना होता है स्टूडेंट्स, इससे क्या होता है आपको प्रॉपर सारे नंबर मिलेंगे। इज इट क्लियर? शो दैट टू प्रूव या टू शो क्या करना है, ए सी जो है ये ग्रेटर है, ए सी जो है ये बड़ा है किससे, ए बी से। टू प्रूफ क्या है, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, ये बड़ा है, ठीक है। चलो प्रूफ देखते हैं अच्छे से, ध्यान रखना, सिंपल है। देखो नई चीज सीखोगे, इसको ही लिख लो, देखो थोड़ी बहुत अगर इनइक्वालिटी पढ़ी होगी तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि देखो यहां पे समझना, अगर टू जो है ये लेस देन मान लो फोर, अगर मैं दोनों साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा, समझना, तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा। खुद ही सोचो, अगर ये माइनस टू हो गया और ये माइनस फोर हो गया, तो क्या माइनस टू छोटा होता है माइनस फोर से, नहीं, नंबर लाइन में माइनस टू बड़ा होता है, तो यानी कि इनइक्वालिटी बदल जाती है। तो यहाँ पे भी सेम करूँगा, मल्टीप्लाइंग क्यों कर रहा हूँ अभी पता चल जाएगा, कल भी मतलब मैंने पिछली क्लास में भी किया था, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई नेगेटिव साइन, तो ऐसा करने से ये हो जाएगा माइनस एंगल पी बी सी, क्यों कर रहा हूँ समझ जाओगे, ग्रेटर हो जाएगा, माइनस एंगल क्यू सी बी, समझ गए होगे। अब क्या करो, दोनों साइड ऐड करो, तो ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐड करने में से साइन इक्वालिटी साइन नहीं होती, तो इसको मैं 180 ऐड कर रहा हूँ, 180 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों साइड ऐड हो गया, तो ये हो गया 180 माइनस पी बी सी। देखो स्टूडेंट्स, 180 माइनस पी बी सी, ये वाला एंगल हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका एंगल, इसको लिख सकता हूँ मैं ए बी सी, इनइक्वालिटी वही रहेगी, लीनियर पेयर 180 माइनस दिस, ये वाला एंगल हो जाएगा। अब मुझे नहीं पता कौन बड़ा होगा, बट इसके हिसाब से ये बड़ा दिख रहा है, तो ये बड़ा होगा, तो एंगल ए सी बी क्या हो जाएगा, ए सी बी, ब्रैकेट में लिख देना लीनियर पेयर, इज इट क्लियर, तो एंगल ए बी सी जो है ये बड़ा होगा ए सी बी के, इज इट क्लियर, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। अब हो गया खाने का, तो इस ट्रायंगल में ये बड़ा है, तो इसका जस्ट ऑपोजिट साइड ए सी, सो ए सी इज ग्रेटर दैन इसका जस्ट ऑपोजिट ए बी, ये प्रूफ करना था। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, यस स्टूडेंट्स सेम यहीं पे, जो यहाँ पे लिखा था वही लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, साइड ओपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर, यही सेम चीज उठा के यहाँ पे रख देना, ठीक है, ये क्वेश्चन प्रूव हो गया है। कुछ नया चीज़ इससे यहाँ पे सीखने को मिला, इसको नोट करो और अच्छे से करना, ठीक है, समझ में आ गया, बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, जल्दी से नोट करो स्टूडेंट्स एवरीवन। ओके क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, ठीक है, देखो डायग्राम बना दो, सबसे अच्छी बात यह कि इसका डायग्राम गिवन है इन फिगर 7.49, सब लोग 7.49 का डायग्राम बना दो, चेक करो ऐसा ही कुछ है, ए बी सी डी, ए बी और ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी और ये बीच में हो जाएगा ओ। चलो देखते हैं क्या क्या गिवन है स्टूडेंट्स। गिवन एंगल बी इज लेस देन एंगल ए, एंगल बी जो है लेस देन, तो ये बड़ा लिख देते हैं एंगल ए, अपन ऐसे लिखेंगे डबल, इससे क्या अपने को याद, विजुअलाइजेशन से ये ध्यान रहता है कि इससे बड़ा, ठीक है,
और क्या दे रखा है, एंगल सी जो है, एक और चीज़ दे रखी है, एंगल सी जो है वो लेस देन, एंगल सी इज़ लेस देन एंगल डी, एंगल सी जो है वो लेस देन एंगल डी, तो ये बड़ा है, ये डबल है और ये सिंपल है, ये एंगल सी। शो दैट ए डी इज लेस देन बी सी, ये शो करता है ए डी इज लेस देन बी सी। लिख देता हूँ यहाँ पे, टू प्रूफ या टू शो ए डी इज लेस देन, ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ए डी इज लेस देन बी सी, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान देना, ठीक है, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। चलो प्रूफ एकदम सिंपल, चलो ये वाली प्रॉपर्टी लिखे पहले, इन ट्राइंगल ए ओ बी क्या गिवन है आपको, एंगल बी इज लेस देन एंगल, एंगल बी इज लेस देन एंगल, एंगल बी इज लेस देन एंगल ए। तो भाई अगर ऐसा है तो क्या बोल सकते हैं, एंगल बी अगर छोटा है तो एंगल बी का जो ओपोजिट साइड जो है ए ओ, ये भी छोटा होगा किससे, एंगल ए के ऑपोजिट साइड बी ओ से। यस और नो, एकदम आसान है कि नहीं, यस और नो स्टूडेंट्स, हो जाएगा ये तो एकदम ईजी है, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, वही सेम चीज जो पहले लिखे थे, साइड ओपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर, बड़ा ही सिंपल। अब ये रिलेशन को ध्यान रखने काम आएगा, ठीक है। अब लिखो इन ट्राइंगल ओ डी सी, ओ डी सी इधर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, छोटा वाला ऐसे लिखते हैं, एंगल सी जो है ये लेस देन है एंगल डी के, तो एंगल सी से ऑपोजिट ओ डी, तो जो ओ डी है वो छोटा होगा किससे, एंगल डी का ऑपोजिट ओ सी से। यस और नो, क्या ये रिलेशन भी क्लियर है, तो ये रिलेशन वन ये रिलेशन टू, एकदम सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे भी ब्रैकेट में वही चीज लिखोगे जो ये लिखे हो, इज इट क्लियर, लिख लोगे भाई। तो दोनों रिलेशंस को ऐड कर दो, क्या करोगे दोनों रिलेशन को ऐड, तो यहाँ पे करूँ एडिंग, यहाँ कर दे रहा हूँ एडिंग वन एंड टू, तो ए ओ प्लस ओ डी, ए ओ प्लस ओ डी इज लेस देन बी ओ प्लस ओ सी, ठीक है, बी ओ प्लस ओ सी ये चीज है, तो ए ओ प्लस ओ डी क्या बन जाएगा, ए डी बन जाएगा, ये हो जाएगा ए डी लेस देन बी ओ प्लस ओ सी बन जाएगा बी सी, क्या बन जाएगा बी सी, इज इट क्लियर, दैट मीन्स ए डी इज लेस देन बी सी, बस हो गया प्रूव्ड, यही तो प्रूफ करना था, ए डी इज लेस देन बी सी, हो गया, एकदम आसान क्वेश्चन है। तो मुझे तो लगता है कि अब तक का जो क्वेश्चंस किया है हमने उसमें ये वन ऑफ द इजी क्वेश्चन है, इज इट क्लियर, कर लोगे भाई, चलो बहुत बढ़िया, नोट कर लो जल्दी से और इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। ऑल ऑफ इसी क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये ट्राइंगल नहीं है, क्या दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, तो क्वाड्रिलेटरल तो आप जानते हो क्या होता है, जिसमें फोर साइड्स होते हैं, तो क्या बोल रहा है, देखो ए बी और जो सी डी है ये स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट साइड है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के, तो इसमें कौन बड़ा है क्या ये सब नहीं दे रखा है, बट इतना दे रखा है, थोड़ा सा इसको इस टाइप से बना दूँ अगर मैं, ये आपका ऐसा दे रखा है क्वाड्रिलेटरल, और क्या है ए बी सी डी, दिस इज ए दिस इज बी एंड दिस इज सी एंड दिस इज डी, ओके, और क्या गिवन है, कुछ कुछ तो दे रखा है, ए बी सबसे छोटा है, ए बी इज स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट का मतलब चारों साइड में सबसे छोटा ए बी है, और सी डी जो है वो सबसे लार्जेस्ट है इन द क्वाड्रिलेटरल, तो सी डी जो है इज लार्जेस्ट साइड, सी डी क्या है आपका सबसे लार्जेस्ट साइड है, इज इट क्लियर, तो शो दैट एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी एंड एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये कह सकते हो इस एक्सरसाइज का सबसे प्यारा क्वेश्चन है। अब देखो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान देना अच्छे से, पहला क्या शो करना है, ओके स्टूडेंट्स लाइट गुल हो गई थी, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, ए बी सबसे छोटा है सी डी सबसे बड़ा है, ठीक है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, शो क्या करना है, देखो एंगल ए बेटा देखना, टू प्रूफ एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी, एक तो ये प्रूफ करना है,
और दूसरा वाला जो है वो प्रूफ करना है दैट एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी, ठीक है, ये प्रूफ करना है। मैं देखो ये वाला, अब इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स अच्छे से देखोगे आप लोग, ठीक है, क्लास को अच्छे से ध्यान दो, कॉन्सेंट्रेट करके ध्यान देना, क्योंकि मैं सिर्फ एक बताने वाला हूँ, ये वाले का सिर्फ हिंट दूंगा आपको करना है। तो जब भी हम एंगल ए और एंगल सी ले रहे हैं, तो एंगल ए ये है, एंगल सी ये है, तो अपने को क्या करना है, जब ए और सी की बात चल रही होगी तो आप लोग यहाँ पे एक डायगनल ड्रॉ करोगे ए सी। तो जब आप ये वाला प्रूव करोगे तो आप ये वाला डायगनल ड्रॉ करोगे, इज इट क्लियर? बस बाकी कॉन्सेप्ट देखो समझना क्या है, इज इट क्लियर? ये चीज़ दे रखी है, एक लाइन करोगे तो प्रूफ में देख लो, प्रूफ क्या लिखोगे, जॉइन, ठीक है, पी आर डबल ओ एफ जॉइन ए सी। अब देख लो स्टूडेंट ये वाले ट्राइंगल में देखना एक बार, इन ट्राइंगल ए बी सी ये साइड सबसे छोटी है सामने से, तो क्या ये साइड इससे छोटी होगी, ए बी विल बी लेस देन, ठीक है, अपने को ऐसे लिखना है, तो क्या मैं ऐसे लिखूं कि जो बी सी है वो ए बी से बड़ी होगी, यस और नो? क्योंकि ए बी सबसे छोटी है क्वेश्चन में बोला हुआ है, तो ऑब्वियस ही बात है बी सी तो ए बी से बड़ा होना ही है। तो अगर ऐसा है तो क्या इसके ओपोजिट एंगल्स जो है वो ऐसे होंगे, तो बी सी का ओपोजिट, बी सी का ओपोजिट बोले तो ये वाला एंगल ये बड़ा होगा और ये वाला जो एंगल होगा ये क्या होगा, छोटा होगा। तो क्या लिखोगे, एंगल बी ए सी विल बी ग्रेटर देन एंगल ए सी बी, ये होगा, ब्रैकेट में क्या लिखिए, रिलेशन वन लिख लो, और यहां ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एंगल ओपोजिट टू लार्जर साइड इज टू लॉन्गर साइड इज लार्जर, ठीक है। सिमिलरली इन ट्राइंगल ए सी डी, अब देखो डी सी जो है ये बड़ा है, सबसे बड़ा है, तो सी डी जो है सबसे बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है सी डी ए डी के तो बड़ा ही होगा, यस और नो? ठीक है, तो अब इसका ऑपोजिट एंगल ले लो, सी डी का ऑपोजिट एंगल ये और ए डी का ऑपोजिट एंगल ये, तो अभी ये बड़ा है तो इसका ऑपोजिट ये बड़ा होगा, तो सो देयरफॉर एंगल डी ए या सी ए डी, एंगल सी ए डी विल बी ग्रेटर देन एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी, इज इट क्लियर? दिस इज रिलेशन नंबर टू। अब बताओ ये इससे बड़ा था, ये इससे बड़ा था, तो ये जो पूरा है ये इससे बड़ा होगा, तो एडिंग वन एंड टू ऐड करो, ऐसे लिखोगे एंगल बी ए सी प्लस सी ए डी, दोनों को ऐड करोगे जैसे इसमें किए थे, ऐसे ऐसे एंगल ऐड होगा, तो डायरेक्ट रिलेशन लिख दे रहा हूं मैं कि अगर ऐसा ऐड करोगे तो दैट मीन्स एंगल ए इक्वल्स टू इज ग्रेटर देन एंगल सी, देख के पता लग रहा है, एक स्टेप यहाँ पे आप बना लेना, क्लियर? एकदम सिंपल सा फंडा था स्टूडेंट्स। अब जब आप ये करोगे बी डी को, तो आप बी डी डायगनल बनाओगे, क्या बनाओगे, बी डी डायगनल। तो आज की क्लास का होमवर्क, पहला होमवर्क क्या है, यह एक स्टेप लिखोगे और ये जो सेकेंड वाला है इसको आप प्रूव करोगे, दिस इज योर होमवर्क, इज इट क्लियर? ठीक है, चलो नोट कर लो जल्दी से स्टूडेंट्स। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में फिगर दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है ये, 7.51 दिया हुआ है, एक बार बना लो फिगर, ठीक है, ये है पी क्यू आर, पी क्यू आर ये एक लाइन और दे रखी है ऐसे ऐसे, और ये है एस, ये थोड़ी सी इस टाइप से लाइन दे रखी है, तो मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है, और ये एक एंगल है और एक ये डबल, ऐसा कुछ दे रखा है, मुझे नहीं पता, अभी मैं लिखूंगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो पी आर है गिवन, पी आर दिख रहा है सबको, ये पी आर, ये जो पी आर है ये बड़ा है किससे, पी क्यू से। तो देखो पी आर बड़ा है तो इसके जस्ट ऑपोजिट एंगल ये भी बड़ा होगा, इसके जस्ट ऑपोजिट इससे, यस और नो, ये इससे बड़ा होगा, मैंने पहले लिख दिया इसको, मैं लिखूंगा देखते हैं, अभी तो प्रूफ किया भी नहीं मैंने कुछ। और पी एस बाइसेक्स क्यू पी आर, बाइसेक्स बोला है, ठीक है, बाइसेक्स मतलब कि फिर ये वाले एंगल और ये एंगल दोनों बराबर में काट रही है, ये दोनों बराबर बराबर है, ठीक है, जो पी एस है ये बाइसेक कर रहा है क्यू पी आर, प्रूव दैट पी आर क्यू पी सॉरी पी एस आर, रुको टू प्रूफ लिख देता हूँ भाई, पहले
ठीक है, थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ, टू प्रूफ एंगल पी एस आर, मतलब ये वाला एंगल की बात चल रही है, सॉरी पी एस आर, हाँ पी एस आर यानी कि ये वाला एंगल की बात चल रही है, इधर ये बड़ा होगा एंगल पी एस क्यू के, पी एस क्यू के मतलब ये एंगल बड़ा होगा, तो ठीक देखो सिंपल है, ठीक देखो कैसे लिखोगे, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है प्रूफ, देखो क्या गिवन है, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, सो पी आर का ऑपोजिट ये वाला एंगल, एंगल क्यू इज ग्रेटर देन एंगल आर, क्या ये चीज़ क्लियर है। अब मैं क्या करने वाला हूँ इस वाले में, मैं दोनों साइड्स कुछ सेम नंबर ऐड कर सकता हूँ, मैं इधर ऐड कर रहा हूँ एंगल क्यू प्लस क्यू पी एस ऐड कर रहा हूँ, समझना क्यों कर रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा आपको, एंगल क्यू पी एस, इधर भी उतना ही ऐड कर रहा हूँ एंगल क्यू पी एस, इज इट क्लियर स्टूडेंट, एंगल क्यू एक बार और लिखूंगा, यहाँ पे एक और चीज़ दे रखी है कि क्यू पी एस जो है, ये जो एंगल क्यू पी एस है और ये जो एस पी आर है ये दोनों इक्वल है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है ना पी एस, तो यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ मैं क्यू पी एस की जगह एस पी आर। अब गौर करना है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, पढ़ाया हूँ बेटा, तो देख दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस, यस और एंगल क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर को ये लिख सकता हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा पी एस आर, पी एस आर ही है ना, तो इसको लिख सकता हूँ पी एस आर ग्रेटर देन दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस, तो इसको लिख सकता हूँ पी एस क्यू, ये ले बेटा तेरा काम बन गया, इज इट क्लियर, प्रूव हो गया, सिंपल है ना, तो सिंपल एक्सरसाइज थी स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है और क्वेश्चंस खूब सारे प्रैक्टिस करने हैं, एक क्वेश्चन छुपा हुआ है सिक्स्थ वाला, उसको मैं होमवर्क देने वाला हूँ करना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना जहाँ से इधर उधर से रिसोर्सेज मिले, नहीं हो तो ग्रुप ज्वाइन कर लेना वहाँ पूछ लेना, हेल्प कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप, एक्सरसाइज 7.5 आप लोग स्किप कर सकते हो, एक्टिविटी बेस्ड है, कराने का कोई सेंस नहीं दिख रहा है, और एक बहुत ही अच्छी बात है ये चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है, स्टिल कोई डाउट रह गया, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, टेंशन नहीं लेने का, ग्रुप की लिंक ज्वाइन हो गया, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, उसमें आप लोग क्वेश्चन भेजो, आपको कुछ ना कुछ जरूर जवाब उसमें मिलेगा, कोई ना कोई देगा, मैं दूंगा जो भी टीम देगी, बट वो हो जाएगा, इज इट क्लियर, चलो ठीक है स्टूडेंट्स, इट्स अ गुड टाइम, एंजॉय रिलैक्स, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट, है ना, कि हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया, बहुत जल्दी एक और नया चैप्टर आप लोगों के पास आने वाला है, उसकी क्लास लेंगे तो बहुत मजा आने वाला है, आई एम वेरी एक्साइटेड विद दैट, कंप्लीट करो एक एक क्वेश्चन क्वार्टर में लिखो, ठीक है, चलो स्टूडेंट्स आज इतना ही रखते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हंसते रहो मुस्कुराते रहो और सीखते रहो, क्योंकि सीखना बन तो जीतना पन, और सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू मोटिवेशनल दोस्त इन द नेक्स्ट क्लास, विल लर्न, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग, कीप लर्निंग, कीप डूइंग व्हाटएवर यू लव टू डू, बाय, टेक केयर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जय महाकाल, ओके बाय, टेक केयर, बाय।